नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ PDPL स्वराज का 14 BHP का इंजन, और उसके साथ में हमने फिट किया है डॉक्टर का सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को हमने इस टाइप के कपलिंग के साथ में इसे कपल किया है। ये कपलिंग लगाने का मेन पर्पस ये था कि ये वाटर कूल्ड इंजन है, लेकिन पंप के साथ में हम यहाँ रेडिएटर नहीं फिट कर रहे हैं, क्योंकि इंजन को पानी का कनेक्शन हम पंप से दे देंगे। लेकिन अगर जब हम पंप नहीं चलाएंगे, इसमें अल्टरनेटर अगर लगाना हो हमें, तो हम इसमें इंजन में रेडिएटर फिट कर सकते हैं। रेडिएटर फिट कर देंगे और ये जो ग्रुप वाला कपलिंग देख रहे हैं, इससे हमें फ़ैन को ड्राइव मिल जाएगा, हम यहाँ पर बेल्ट लगा सकते हैं। इसलिए हमने इस टाइप का कपलिंग यूज़ किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर का पंप है, तो डॉक्टर के पंप के ऊपर दो नोब आपको देख रहा होगा। ये ग्रीसिंग करने के लिए है, ये कैप खोल लेना है और इसमें ग्रीस भरकर फिर से लगा देना है, जिससे हमारा जो पंप है वो लुब्रिकेट होगा ग्रीस से। और जैसा कि आप देख रहे हैं PDPL स्वराज का इंजन है, तो ये वाटर कूल इंजन है, तो इसमें जो पानी का कनेक्शन देंगे हम, वो हम देंगे डायरेक्ट वाटर पम्प से देंगे, जो कि वाटर पम्प से ठंडा पानी हमारे ब्लॉक से होता हुआ, हेड से होता हुआ, वो गर्म पानी बाहर निकल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर का ये 150x150 का वाटर पंप है, और पंप के ऊपर एक नेम प्लेट लगा होता है, जैसा कि आप इंजन के ऊपर देखते हैं, ऑल्टरनेटर के ऊपर देखते हैं, पंप के ऊपर देखते हैं, ये नेम प्लेट के ऊपर सारी चीज़ें आपकी लिखी होती हैं कि क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर का सेंट्रीफ्यूगल पंप है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, साइज 150x150 लिखा हुआ है, टाइप वगैरह सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ होता है। और ये जो कनेक्शन देख रहे हैं आप पंप के पास में, यही कनेक्शन आपके इंजन में चला जाएगा। ये वाला कनेक्शन दोनों में एक पाइप लग जाएगी, जिससे इंजन को ठंडा पानी मिलेगा और गर्म पानी जो हेड के पास में, साइलेंसर के पास में आप देख रहे हैं जो कनेक्शन है, वहाँ से गर्म पानी आपका निकल जाएगा। तो इस टाइप से आपको फिट करना पड़ेगा। अगर आप रेडिएटर लगाना चाहते हैं तो रेडिएटर भी लगा सकते हैं, लेकिन जिस इंजन में, बैरल इंजन में पंप फिट होता है, वहाँ पे रेडिएटर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मेरे बहुत किसान भाई इस टाइप का इंजन, बैरल इंजन ले जाते हैं, जिसमें हलर फिट करते हैं, उसमें भी वो रेडिएटर यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही एक ड्रम ठंडा पानी का रख देते हैं, एक गर्म पानी का, वैसे उसमें पानी रोटेट होता रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पंप बहुत ही शानदार है, और सबसे बड़ी बात है कि ये इंजन जो है बहुत ही अच्छा, काफ़ी शानदार इंजन है। 14 BHP का PDPL का जो स्वराज का इंजन आता है, सिंगल सिलेंडर, वाटर कूल्ड भी मिल जाएगा और एयर कूल्ड भी मिल जाएगा। तो ये मल्टीपर्पज़ इंजन है, इसे आप पंप में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि जितने भी माइनिंग वाले हमारे भाई हैं, सब इंजन में पंप लगा के ले जाते हैं डॉक्टर का। और भी बहुत सारे ब्रांड की पंप आती हैं, लेकिन डॉक्टर का पंप काफ़ी डिमांडिंग होता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका जो पानी निकालने की क्षमता है, और पंप के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग चलता है ये, तो इसलिए इस पंप का डिमांड ज़्यादा है। और 14 BHP का जो इंजन है हमारे PDPL स्वराज का, ये मल्टीपर्पज़ इंजन है, इसमें आप हलर फिट कर सकते हैं, पंप लगाना है तो पंप लगा लीजिए, इसमें अल्टरनेटर लगा के आप जनरेटर सेट बना सकते हैं, चक्की में लगा सकते हैं, तो जहाँ भी आपको लगाना है लगा सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जनरेटिंग सेट का इंजन और बैरल इंजन दोनों सेम क्वालिटी का होता है, किसी तरह की कोई डिफरेंस नहीं होती है। तो इस टाइप का हमने इसमें चैनल लगाया, जैसा कि आप देख रहे हैं, चार चक्का वाला चैनल बना है और काफ़ी मजबूत बना है। इसी में हमने पंप भी फिट किया है और इंजन भी लगाया है, कस्टमर के डिमांड के हिसाब से कि हमें पंप लगा के इंजन चाहिए स्वराज के साथ, तो हमने ये पंप लगा दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रुप ये आउट इन इनसाइड का ग्रुप है, और आउटर सक्शन और डिलीवरी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डिलीवरी है, नीचे वाला सक्शन है। तो आइए बात कर लेते हैं डॉक्टर पंप के स्पेसिफिकेशन की, तो मैं डिटेल में बता देता हूँ कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। डॉक्टर का सेंट्रीफ्यूगल पंप है, साइज 150mm x 150mm है, टाइप है FMDS6 है, स्पीड 1500 RPM है, रेवोल्यूशन पर मिनट, क्योंकि आपका इंजन 1500 RPM का लगा हुआ है, तो पंप भी 1500 RPM का ही लगाना है, और अल्टरनेटर लगाना है तो भी आपको 1500 RPM का अल्टरनेटर लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, 14 BHP का इंजन है, तो इसमें 10 KVA का सिंगल फेस अल्टरनेटर
लगा सकते हैं आप, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्री फेज पे ऑल्टरनेटर लगा सकते हैं, और आज जैसा आप देख रहे हैं PDPL का मार्का, आपको बैरल इंजन भी हर जगह देखने को मिल जाएगा। पंप का जो हेड रेंज है वो 8.8 बराबर 12.5 मीटर है। नॉमिनल ड्यूटी पॉइंट वैल्यू हेड का जो रेंज है 11.0 मीटर है। डिस्चार्ज 48.8 लीटर पर सेकेंड है। EFFI 74% है। रिकमेंडेड प्राइम मूविंग रेटिंग 7.535 किलोवाट है। फील्डमैन इंजीनियरिंग राजकोट का बना हुआ ये पंप है। और आइए बता देता हूँ आपको इंजन के स्पेसिफिकेशन के बारे में भी बता देता हूँ। मॉडल नंबर जो है PV14 है। रेटेड आउटपुट 14 BHP है। रेटेड स्पीड 1500 RPM है। रेवोल्यूशन पर मिनट क्लास ऑफ गवर्निंग B1 है। SFC 251 है। फ्यूल इसमें पड़ेगा हाई स्पीड डीजल। लूब ऑयल का जो ग्रेड है इसका 30-40 मल्टीग्रेड लूब ऑयल आप डाल सकते हैं। अगर आपको सबसे अच्छा ऑयल डालना है इसमें तो स्वराज का PDPL स्वराज का लूब ऑयल आता है, आप वही ऑयल यूज़ कीजिए। सिलेंडर 1 है। वाटर कूल इंजन है। फिल्टर इसमें 1/2 लीटर का एक लगेगा डीजल फिल्टर लूब ऑयल। डीजल फिल्टर इसमें एक लगेगा 1/2 लीटर का, लूब ऑयल फिल्टर भी एक लगेगा इसमें। एयर फिल्टर में 100 ग्राम लूब ऑयल डालना है, और इसके सम में जो लूब ऑयल की कैपेसिटी है वो है 3 लीटर की। तो बहुत ही शानदार इंजन है ये, हैंडल स्टार्ट इंजन है। अगर आपको बैरल इंजन सेल्फ वाला चाहिए तो सेल्फ वाला भी मिल जाएगा। सेल्फ वाले इंजन में क्या होता है कि जो नॉर्मल इंजन आता है उसे 20,000 रुपये वो महंगा होता है, तो आपको सेल्फ स्टार्टेड मिल जाएगा, हैंडल स्टार्ट भी मिल जाएगा, दोनों इंजन इसमें आता है। तो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से इंजन आपको मिल जाती है। अगर हैंडल और सेल्फ दोनों चाहिए तो मिल जाएगा, अगर सिर्फ सेल्फ स्टार्ट चाहिए तो भी मिल जाएगा। और जैसा कि आप इंजन देख रहे हैं कि PDPL का मार्का हर जगह पे है, टैपेट पे है, इसके ब्लॉक में है, स्वराज का लोगो आपके टंकी के ऊपर है। तो बैरल इंजन और जनरेटर सेट का इंजन दोनों सेम होता है, सेम क्वालिटी का होता है PDPL स्वराज का। तो अगर आपको लेना है ये इंजन तो आप ले सकते हैं। अभी तो धन कटने का टाइम है, तो बहुत सारे किसान भाइयों को हलर के साथ में इंजन चाहिए होता है, तो हलर के लिए PDPL स्वराज का इंजन बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा इंजन है। तो आप बड़ा वाला हलर इसमें लगा के चला सकते हैं, 24 घंटा चलाइए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और काफ़ी लोग हलर में PDPL स्वराज का इंजन लगाकर ले जाते हैं, क्योंकि अदर ब्रांड के मुकाबले में इस इंजन का प्राइस भी कम है, बजट में भी है, और इसकी क्वालिटी भी अदर इंजन से बहुत अच्छी है, और इसका जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी बहुत कम है अदर इंजन से, और लोड लेने की ताकत तो ज़बरदस्त है, 110% लोड लेता है PDPL स्वराज का इंजन। इसीलिए इसमें वाटर पंप लगाया गया, क्योंकि जानते हैं आप जिसमें पंप लगा होता है पंप के लिए बहुत ही हेवी इंजन चाहिए, क्योंकि जो माइनिंग से पानी निकाला जाता है उसमें बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। तो इसीलिए PDPL स्वराज का इंजन या किलोस्कर का इंजन कस्टमर डिमांड करता है कि हमें पंप में PDPL स्वराज का इंजन चाहिए या किलोस्कर का चाहिए, क्योंकि दूसरा इंजन चलेगा ही नहीं पंप में, पानी खींचने में वो फेल हो जाएगा। इसीलिए PDPL स्वराज का इंजन पंप में लगता है या तो किलोस्कर का इंजन लगता है, क्योंकि बहुत ही तगड़ा लोड लेने के इसमें कैपेसिटी होती है, इसीलिए कस्टमर डिमांड करके ले जाते हैं। इसीलिए हमारे पास हमेशा PDPL स्वराज का इंजन पंप के साथ में फिट रहता है, किलोस्कर का इंजन रहता है, और भी सारे ब्रांड रहती हैं, बहुत सारा ब्रांड हमारे पास रहता है, तो कस्टमर के डिमांड। लेकिन सबसे ज़्यादा कस्टमर किलोस्कर का इंजन पंप के साथ ले जाती है और PDPL स्वराज के ले जाती है। जैसा कि आप इंजन देख रहे हैं, मान लीजिए कि आपको वाटर पंप हटा के अल्टरनेटर लगाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाटर पंप हटा दीजिए, उसके बाद इसमें 10 kV का सिंगल फेस या 3 फेज अल्टरनेटर लगाइए। हाँ, पैरेलल इंजन तो ऐसे ही आता है, उसमें रेडिएटर वगैरह नहीं रहता है, तो फिर अलग से आपको रेडिएटर परचेस करना पड़ेगा, फैन बेल्ट परचेस करना पड़ेगा, आपको फ़ैन लेना पड़ेगा, वाटर पंप लेना पड़ेगा, उसमें फिट कीजिए और इस टाइप का कपलिंग लगाइए, और आप फिर इसको जनरेटर सेट बना सकते हैं, और पूरा 3 फेज भी ऑल्टरनेटर लगा सकते हैं और सिंगल फेज भी लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ऑल्टरनेटर नहीं लगाना, इसे चक्के में फिट करना, तो चक्के में भी फिट कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ इंजन है, कहीं भी आप फिट कीजिएगा वो चलेगा, किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।